अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी सिफतैन जाफरी और अभी पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हुए मैं किधर पहुंचा हूं? मैं पहुंचा हूं नीलम वैली कुटन वाटरफॉल, बिल्कुल मेरे पास है। आप उसका पानी का शोर प्रेशर भी सुन रहे होंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूं इसकी स्पेसिफिकेशन। ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ है और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। रेस्टोरेंट्स आपको इधर मिल जाएंगे, खाना भी अच्छा है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुटन वाटरफॉल है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कुटन वाटरफॉल का। अच्छा, इसमें एक ब्रिज है, ब्रिज बहुत ही डेंजरस है। अभी पिछले दिनों प्रीवियसली इधर दो तीन डेथ भी हुई हैं, लेकिन अभी उन्होंने इसको प्रॉपरली मेंटेन कर दिया है और वुड का उन्होंने सारा ब्रिज सारा कंस्ट्रक्शन की है। सो अभी हम लोग चलते हैं उस ब्रिज की तरफ जो कुटन वाटरफॉल के ऊपर से गुजरता है। आए मेरे साथ, चलें भाई, चलते हैं इस ब्रिज के ऊपर। अच्छा, इस तरफ पीछे मेरे रिजॉर्ट्स हैं जिधर कोई मतलब फैमिलीज वगैरह आके रेस्टोरेंट वगैरह पे खाना वगैरह लंच वगैरह डिनर वगैरह कर सकते हैं और इधर रिजॉर्ट्स में आप स्टे भी कर सकते हैं। सो अभी हम लोग मूव करने वाले हैं डैम्स की तरफ। प्रॉपर्ली आपको उसका इंट्रो करवाते हैं, उसके बारे में प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जी डैम्स के बारे में, बिल्कुल। सो हम लोग चल रहे हैं अभी कुटन वाटरफॉल का जो डैम है कुटन में, उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने डिवाइड किया है दो हिस्सों में पानी को, जिस तरह से वो भी प्रॉपर्ली मैं आपको साथ साथ गाइड कर रहा हूँ। आप इसका पानी का प्रेशर देख सकते हैं, ये डैम में जा रहा है, टोटली डैम में जा रहा है। अच्छा, हम लोग जॉयलैंड की तरफ जा रहे हैं, बच्चों के लिए उन्होंने जॉयलैंड बनाया। ये बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है और ये बिल्कुल साथ। सो ये शॉर्ट विजिट था डैम का। अब डैम के बाद हमने कुटन जो वाटरफॉल है उसका एक एरिया देखा है जो जॉयलैंड वगैरह बच्चों के लिए, अभी इधर प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन नहीं हुई लेकिन चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिधर प्रॉपरली उन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह का काम स्टार्ट कर दिया हुआ है, आप आके खाना वगैरह खा सकते हैं। हम लोग उस तरफ चलते हैं और उधर से भी एंटरटेनमेंट आपको दिखाते हैं कि आप आके अपनी ट्रिप को मेमोरेबल कैसे बना सकते हैं। सो आए मेरे साथ उधर।
सो भाई इन पे चलना है और आगे रास्ता अपनाना है। मुझे आवाज़ें पड़ रही हैं पीछे से, लेकिन पहली प्रायोरिटी आप है। क्या बात है। अच्छा ये वाटरफॉल का दूसरा पार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये पत्थरों पे चल रहा हूँ। ऑलराइट, सो अभी हम लोग आगे जाएंगे, मूव ऑन करेंगे। भाई आपको दिखाना भी जरूरी है। 3, 2, 1। हाँ जी, सो ये नीलम रिवर पीछे से आ रहा है और ये दूसरा एरिया है। पहले मैंने आपको डैम वाला एरिया विजिट करवाया और ये अब दूसरा एरिया। ऑलराइट, ये था कुडन वाटरफॉल जो कि नीलम वैली में कश्मीर में वाकया है। आपने ये एक्सप्लोर किया, थैंक यू। टोटली फ्रीजिंग पॉइंट है, बहुत ठंडा पानी है और हार्डली कोई सर्वाइव करे इधर ज़्यादा देर, मतलब थोड़ी देर के लिए आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। सो ये था हमारा आज का ब्लॉग। इसी तरह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। कुंडन ये बेसिकली ब्लॉग एरिया है जहाँ मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक अमेजिंग किस्म की वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू। हार्डली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू कुंडल बिकॉज बहुत मज़ा आ रहा है और जाने का दिल नहीं कर रहा, बट जाना तो है। सो थैंक यू सो मच कुंडल फॉर अमेजिंग मेमोरी, लव यू। और इसी तरह से मेरा ब्लॉग देखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और बहुत सा प्यार दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज़।